आज आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा हिंदुस्तान फिर अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत में पीओके भी आता है और पूरा पाकिस्तान भी। पीओके में इसका असर दिखने भी लगा, वहां पर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी की हो रही है और आपको सुनकर हैरानी होगी, बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं कि उनको पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में रहना है। पाकिस्तानी पब्लिक को ना शहबाज शरीफ पर यकीन है ना इमरान खान पर भरोसा है, उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है वो हिंदुस्तान में होते तो अच्छा होता। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता भी कहते हैं हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। नॉमिनीज में मोदी साहब भी हैं, क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उनको भी बना सकती हैं, तो क्या आप उन्हें सिलेक्ट करेंगी? अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा सकता है तो क्या मोदी की हुकूमत भी खत्म कर सकता है? तो पाकिस्तानी एमएनएस जो है वो सारे बिक गए अमेरिका के हाथों, आपको क्या लगता है इंडिया के एमएनएस भी बिक जाएंगे? क्या अमेरिका इंडिया पे क्यों इन्फ्लुएंस रखता, हमारी हुकूमत क्यों गिराता, इंडिया की हुकूमत क्यों नहीं गिराता? वहाँ की हुकूमत जो है वो 10 साल हो गए मोदी को हुकूमत करते हुए, उसकी क्या वजह है वो 10 साल निकाल गया? पाकिस्तान भी एक आजाद मुल्क है, इंडिया भी आजाद मुल्क है, इंडिया में कोई ऐसी मुदाखलत करने की जरूरत क्यों नहीं करता? कि इंडिया पाकिस्तान कट्ठे आजाद हुए थे, आज इंडिया कहाँ पर है, हम कहाँ पर है? पाकिस्तान का वजीर आजम बदल गया, कुर्सी पर इमरान खान की जगह अब शहबाज शरीफ बैठ गए, लेकिन जहाँ पर इमरान खान सवाल छोड़ गए वहीं पर पाकिस्तान अब तक अटका हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक बार बार यही कह रही है पाकिस्तान तो कठपुतली है, चाहे अमेरिका न चाहे या फिर चीन, मगर कोई भी इंडिया को छू नहीं पाएगा। जब से इमरान खान को धक्के मार के निकाला गया, पाकिस्तानी जनता को उनके मुल्क और हिंदुस्तान में फर्क समझ में आ गया। जो इंडिया ना वो एक खुददार कौम है, आप उनके एमएनएस को नहीं आप खरीद सकते, अगर आप उनको कुछ भी कहेंगे ना वो सारे बीजेपी मोदी वाले जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे होकर ना बाहर रोड्स पे निकलेंगे। वो बहुत स्ट्रांग है, वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं और वो अपने कंट्री के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तानी 2 मिनट में बिक जाएंगे, ये बिरयानी की प्लेट पर बिकने वाली कौम है ये, जो जितने भी हैं नवाज शरीफ शहबाज के सपोर्टर्स हैं, इनको आप बिरयानी खिलाएं, उनसे कुछ भी करवा लें, इन्होंने हंसी खुशी कर देना। पाकिस्तानी एमएनएस जो है वो सारे बिक गए अमेरिका के हाथों, आपको क्या लगता है इंडिया के एमएनएस भी बिक जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी आवाम को साथ लेकर चलते हैं। पाकिस्तानी जो है वो बिक गए हैं, उनको नहीं बिकना चाहिए था, उनको कुछ दूसरी नेशन से सीखना चाहिए। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसा प्राइम मिनिस्टर है, क्या उसकी आवाम उसके साथ खड़ी होगी या वो भी उसके खिलाफ हो जाएगी? मुझे लगता है कि उसकी आवाम उसके साथ खड़ी होगी। शहबाज शरीफ ने अपने पहले भाषण से चीन चीन चिल्लाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी संसद में ही जिनपिंग की तारीफों में कसीदे पढ़े, पाकिस्तानी अवाम को बताया गुलाम बदल सकता है मालिक नहीं। दुख और सुख का साथी है चीन। चीन ने पाकिस्तान का न सिर्फ इक्तसादी हवाले से हमेशा साथ दिया बल्कि इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा हमारा साथ दिया। कोई कुछ कर ले, चीन की पाकिस्तान की दोस्ती कोई हमसे छीन नहीं सकता। कोई कुछ कर ले, ये क्यामत तक कायम रहेगी। सीपैक को इंशाल्लाह अब पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे, आगे चलाएंगे, बढ़ाएंगे और रजीम करेंगे। चीनी सदर जनाब शी जिनपिंग और चीनी क्यादत के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। शहबाज चीन चीन कर रहे हैं, ऐसा ही इमरान खान भी करते थे, लेकिन पाकिस्तानी जनता हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रही है। उनको नया पीएम जरूर मिल गया, मगर आज भी वो मोदी जैसा प्रधानमंत्री तलाश रही है। जी, अगर हम मोदी साहब की टेन्योर देखें तो एक चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने जो पीपल हैं उनके अंदर बहुत पॉपुलर हैं। ठीक है, उनके कुछ ऐसी क्या कहते हैं एक्शन से जिनकी वजह से इंडिया को बहुत क्या कहते हैं फ़ायदा हुआ है। इकोनॉमिकली इंडिया अभी भी बहुत स्ट्रांग है, लोगों ने बहुत क्या कहते हैं थीसिस वगैरह दिए थे कि इंडिया क्लैप्स कर जाएगा, वो नहीं रह सकेगा कोरोना के दौरान जो भी था हिसाब किताब, लेकिन इंडिया अभी तक स्टेबल जा रहा है और क्या कहते हैं जैसे हालात जा रहे हैं प्रॉबली जब थोड़ी ज़रा दुनिया स्टेबल होगी तो इंडिया को मतलब कोई रीजनल पावर बनने से रोक नहीं सकता। मोदी ने जो किया वो बहुत अच्छी एफर्ट्स थी, उन्होंने कोविड के दौर में जो किया अपने कंट्री के लिए उन्होंने बहुत ऊपर पहुंचा दिया अपनी कंट्री को, लेकिन इमरान खान को भी अगर टाइम मिलता तो आई गेस वो भी कर लेते। कौन सा प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर है? अपने मुल्क के लिए तो मेरे ख्याल से पीएम मोदी। पीएम मोदी हाउ? क्योंकि एटलीस्ट उसने इंडिया की जो एक इमेज है दुनिया में वो बनाई है। एक्सप्लेन करो ना कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों?
मेरे ख्याल से अगर पीएम मोदी जो है वो जब से आए हैं इंडिया की एक इमेज बन रही है ना दुनिया में, वो बड़ी कमाल है। इंडिया को लोग जान रहे हैं। अब इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत वर्क हो, कह सकते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इतना कोई इम्प्रेसिव काम नहीं किया पिछले 3.5 सालों में, लेकिन तो मेरे ख्याल से पीएम मोदी। इमरान खान जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कश्मीर का रट्टा लगा रखा था। शहबाज शरीफ ने भी पहले दिन से कश्मीर कश्मीर करना शुरू कर दिया। इमरान खान जब जाने लगे तो उनकी जुबान से भी सच निकला, बताया क्यों कोई मोदी जैसा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। क्या मैं अमेरिका इंडिया पे क्यों इन्फ्लुएंस रखता, हमारी हुकूमत क्यों गिराता, इंडिया की हुकूमत क्यों नहीं गिराता? इसकी वजह यह है कि जो हमारे लीडर है ना वो सारे हैं चोर, ठीक है, और हमारी बदकिस्मती ये है कि जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है हमें यही लीडर मिले हैं। इंडिया के अंदर क्यों अमेरिका इन्फ्लुएंस नहीं करता, क्योंकि उनकी कौम जो है उनके लीडरान के साथ खड़ी है, उनके लीडर करप्ट नहीं है। हमारे जो है गद्दार, आप टीपू सुल्तान से शुरू हो जाएं, गद्दार सबसे ज्यादा मुसलमानों ने पाले, ठीक है, सबसे ज्यादा गद्दार मुसलमानों में होते हैं, बिकॉज हम पैसे पर बिक जाते हैं। इमरान खान, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट टारगेट अमेरिका का इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी है, एंड द रीजन बिहाइंड इज कि वो भी रशिया के साथ खड़ा है जबकि अमेरिका उनको बार बार वार्न कर रहा है कि डोंट बी अ पार्ट ऑफ रशिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया की ये ज़रूरत है, अगर आप डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज़ को देखें तो हर मुल्क का यही है कि उसने अपने इंटरेस्ट को देखना होता है, अपने रैशनल इंटरेस्ट की बेस पे हर मुल्क ने परफॉर्म करना होता है। वैसे भी इंडिया से वो इस तरह नहीं करेंगे, अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का ऑफिस है, यहाँ पर जाना इमरान खान का ख्वाब, न ख्वाब पूरा हुआ न फोन आया। इस तस्वीर को आप हिंदुस्तान का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उनके बगल में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं, राजनाथ सिंह के बगल में विदेश मंत्री जयशंकर हैं, सबसे किनारे अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधु हैं, जबकि बाइडेन के ठीक बगल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उनके पास अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन है। सामने नरेंद्र मोदी से बात हो रही है। इस तस्वीर में दो सबसे बड़े देशों के दो सबसे बड़े लीडर हैं और दोनों ने इमरान खान से बात तक नहीं की। जब ये तस्वीरें पाकिस्तान की जनता देखती है तो वो समझती और मानती है अगर इमरान खान को मजबूरन हिंदुस्तान की तारीफ करनी पड़ी तो वो गलत नहीं है। यार इमरान खान ने अगर इंडिया की तारीफ की है, क्या गलत की है, उसे क्या झूठ बोला है भाई? Exactly, इंडिया हर सेक्टर में अपना आगे बढ़ रहा है। आप आईटी की फील्ड उठा के देख लो, इकोनॉमी देख लो, बाहर के मुल्कों के साथ ट्रेड देख लो, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इंडियन लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, अपने मुल्क के लिए वो लोग निकलते हैं भाई। प्रोटेस्ट जब होता है ना उनके मुल्क में किसी चीज को लेकर, तो वो चीज गवर्नमेंट उनकी मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि इंडियन लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर है इस चीज की, उनके दिल बड़े स्ट्रॉन्ग है। वो निकलते हैं बाहर तो वो बड़े दिल से निकलते हैं। इंडियन लोग कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी गुलामी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो ऑलवेज जो है वो इंडिपेंडेंट थे। उनकी पॉलिसी, उनकी खारजा पॉलिसी ऑलवेज अलग थी, उनकी अपनी ही थी। उन्होंने कभी किसी मुल्क की बात नहीं सुनी, उन्होंने कभी किसी मुल्क के कहने पे अपनी गवर्नमेंट चेंज नहीं की। पाकिस्तान भी एक आजाद मुल्क है, इंडिया भी आजाद मुल्क है, इंडिया में कोई ऐसी मुदाखलत करने की जरूरत क्यों नहीं करता? हुक्मरान उन्हें इजाजत नहीं देते, हुक्मरान उनके खुददार हैं, अमेरिका के साथ उनका अच्छे रिलेशंस हैं, मगर वो अमेरिका के दोस्त हैं, वो अमेरिका के आगे बीच नहीं जाते। वो कहते हैं भाई हम अपने अवाम का भला चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका जो हमें कहेगा हमने वही करना है, चाहे अवाम मर जाए, अवाम का कुछ भी हो जाए। इमरान खान और शहबाज शरीफ में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों को जनता ने नहीं पाकिस्तानी सेना जनरल बाजवा ने चुना था। कहने को पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, लेकिन पाकिस्तानी कौम भी अब मानने लगी है वो अब भी गुलाम है। इस बार गुलामी पाकिस्तानी सेना की करनी। इंडिया के अंदर आपने कभी देखा आज तक मार्शाला लगाओ? उधर अपने जो इदारे हैं वो अपने डोमेन में रह के काम करते हैं। तो इंडिया है ना, उन्होंने शुरू से अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो एक आजाद रखी है। एग्जैक्टली और खान साहब ने भी हमें यही बताया था, अमेरिका पाकिस्तान के मामला में इंटरफेयर करता है, क्या इंडिया के मामला में कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? रीजन इज के पब्लिक के अंदर शऊर है और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, वो सारे अपनी लिमिट्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो आपको पता है इदारे हैं, रात को आपकी पोजीशन पता है कि अदालतें खुल गई हैं।
1947 में जिन्ना ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग करके एक इस्लामिक मुल्क की नींव रखी। जिन्ना दुनिया के सामने पाकिस्तान का उदाहरण पेश करना चाहते थे। आज उसी पाकिस्तान में गली गली हिंदुस्तान का उदाहरण पेश किया जा रहा है। नहीं, वो लोग इतने हमारी सियासतदानों की तरह नहीं है, वो अपने मुल्क के लिए जो है वो देखते हैं, हालांकि जैसे भी हैं, क्योंकि अगर वो एक मुसलमान बंदे को जो है वो सदर बना सकते हैं ये देखते हुए कि वो इंडियन है, तो वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। हमारे सियासतदानों की तरह नहीं है कि वो अमेरिका या किसी और के पीछे लग के जो है। पाकिस्तान की आवाम को इनके हुक्मरानों ने कुछ पढ़ने ही नहीं दिया। इंडिया की पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से इसलिए इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि उनकी आवाम जो है उन्हें कुछ उनके हुक्मरान डिलीवर करते हैं। इंडिया में असल में बात यह है कि वहाँ के जो लीडर है ना, वहाँ के जो हुक्मरान हैं जितने भी, वो सारे ना कोई बंदा अच्छा काम करे ना उनका लीडर, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पता है क्या सीन है, यहाँ पे सीन ये है, एक अच्छा आ जाए सारे जाते हैं उसको टांगे खींचने के लिए कि बस किसी तरह ये उतर जाए, हमें सीट मिल जाए। आवाम का नहीं सोचते। किसी नक्शे पर लकीर खींच दी जाए तो सिर्फ मुल्क नहीं बनते, उनकी तकदीर बन जाती है। एक मुल्क पाकिस्तान बनकर रोता रहता है और एक हिंदुस्तान है जो मिसाल बन जाता है। और इधर आज शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा, जो दंगा करेगा मामा उसको छोड़ेगा नहीं। अब वक्त आ गया है उनको पहचानने का, जिन्होंने खरगोन में दंगा किया, और पहचानने के लिए कुछ तस्वीरें आपको भी देखना चाहिए और पुलिस को भी। ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में मौजूद हैं जिसमें दंगाइयों के चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। एक टूल किट सामने आया है और ये टूल किट बहुत सिंपल है। खरगोन में हिंदुओं के घरों को पहचाना गया, निशाना बनाया गया। एक ही मोहल्ले में हिंदू मुसलमान दोनों के घर हैं, लेकिन एक घर में कुछ नहीं हुआ और दूसरे घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा आज सुबह से खरगोन के पूरे दंगा प्रभावित इलाके में गए, वहां की रिपोर्ट देखिए, समझ में आ जाएगा किसके घर जले किसके बचे। मुस्लिम मोहल्ला दंगा खुल्लम खुल्ला। तोरण द्वार पर ये महादेव की एक तस्वीर लगी थी, शायद यही इस घर की पहचान थी। साजिश की लंबी सीरीज। पत्थर फेंकते हुए सब मुसलमान लोग आगे आने लगे, पत्थर पेट्रोल बम बोतलें सब फेंक रहे थे, तो वहीं पे बच्चे को लगा है और वहीं पे हादसा हुआ है। दंगे का नया टेप रिलीज। बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, ये पत्थर बाहर से फेंका गया पत्थर है जो घर के अंदर पहुंचा है। रामनवमी के दिन खरगोन में क्या हुआ? दंगाइयों की नई पिक्चर आई है जो चीख चीख कर कह रही है कि खरगोन में जो कुछ हुआ यूं ही नहीं हुआ। सोच समझ कर दहशत फैलाई गई, नफरत का नंगा नाच हुआ, एक एक चेहरा एक्सपोज हो गया है, एक एक दंगाई कैद हो गया है। खसखस बाड़ी, मुल्तान बाड़ी, जामा मस्जिद, ये सभी खरगोन के वो इलाके हैं जहां से नफरत की शुरुआत हुई। इन मोहल्लों में मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है और दंगा भड़काने के आरोप भी इन्हीं पर लगे हैं। अब हर रोज साजिश का खुलासा हो रहा है। इस वक्त हम उस जगह खड़े हैं जहां खरगोन में पीछे खसखसवाड़ी खत्म होता है, यहां से जमींदार मोहल्ला शुरू होता है। खसखसवाड़ी अल्पसंख्यक समुदाय का मोहल्ला है, साफ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां ईंट पत्थरों की बौछार दिखाई देगी। इस गली में जब दंगा हुआ तो जमकर पथराव हुआ और ये पड़ी हुई ईंटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस बड़े स्तर पर यह हमला हुआ था। अब देखिए, एक घर ये है, ये एक मुस्लिम परिवार का घर है
उस पर एक भी पत्थर नहीं लगा है। एक घर ये है, ये हिंदू परिवार का घर है, यहाँ मीटर लगा था उसको तोड़ दिया गया। इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, दरवाजा नहीं टूट पाया तो बच गए, लेकिन किस तरह पथराव हुआ उसकी गवाही आज भी मौजूद है। ये ईंट का टूटा हुआ हिस्सा है, बाकी यहाँ मीटर था, ये बिजली का मीटर था जो टूट के नीचे गिर गया है। और अब खौफ का आलम यह है कि यह मकान बिकाऊ है, ये लिख दिया गया है। इस मकान के मालिक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या आपका नाम है और उस दिन क्या हुआ? और सबसे पहला सवाल ये कि क्या यहाँ पर कोई रामनवमी की यात्रा निकल रही थी? जी ना, तो यहाँ रामनवमी की कोई यात्रा निकल रही थी ना, मैं यात्रा में शामिल था। मैं अपने घर में था, मेरे घर कुलदेवी का पूजन हुआ और मैं अपने घर में पूरे समय था। और जिस समय मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में था, उस समय पथराव किया गया और अचानक से 200-300 लोगों की भीड़ आके दरवाजा ठोकती है और कहती है, हिंदुओं बाहर निकलो, हम तुमको मारने आए। और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी और पूरे समुदाय को गालियाँ दी जा रही थी और इतने पत्थर बरसाए गए, ऊपर छतों से गुलेल से पत्थर बांध के मारे जा रहे थे, कहीं पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा था। पेट्रोल बम के इस्तेमाल के साथ में आप देख सकते हैं कि गाड़ी जला दी गई, तीन घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, चौथे घर में पथराव किया गया। मुझे आपके घर पे पथराव हुआ, ये सामने घर है, तीन शानदार मीटर लगे हुए हैं, वहाँ एक खरोंच भी नहीं आई, यहाँ सब कुछ टूट गया, ऐसा क्यों? इन्हें मैंने कहा कि घर में चले जाओ, अभी दंगा हो रहा है और कर्फ्यू लगने की सूचना आई है और इन्हीं लोगों ने मेरे घर पे पथराव किया है और यही लोग दंगों में शामिल हैं और जितना मोहल्ला है ये पूरा मोहल्ला मेरे दंगों में शामिल था। तो इस तरह खौफ की भावना है, घर पर लिखा गया है कि ये मकान बिकाऊ है। यहाँ पत्थर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, ये हाल यहाँ पर सफाई होने के बाद का है। सामने एक बाइक खड़ी थी, इसको जला दिया गया है। इस घर का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की गई, देखिए यहाँ पे बाइक थी, इसको जला दिया गया, इसकी वजह से घर में भी आग लग सकती थी। ऊपर की शीट्स टूट गई हैं, खिड़की टूट गई है, दरवाजा टूट गया है इसको। आप उस वक्त जब हमला हुआ घर पे थे? हाँ, घर पे ही थे, हम तीन जन, मैं मिस्टर और मेरा बेटा, हम तीन जन अंदर थे। और उसके बाद में ना, कितने बजे की बात है ये? कितने बजे? 7:30-8 बजे तक की बात है। अच्छा, बहुत सारे जन जब हम दूर से देखते हैं तो ये था कि ये पथराव या टकराव रामनवमी की यात्रा को लेकर हुआ, यहाँ कोई यात्रा थी? नहीं, कोई यात्रा नहीं थी यहाँ पे, कोई यात्रा नहीं। यहाँ पे आके पत्थर से दरवाजा तोड़ रहे थे, एकदम नजदीक आके हमने टेका दिया उसको, बड़ी मुश्किल से हमारी जान हमने बची है, बहुत ज्यादा थे दरवाजा। तो उसको मजबूती देने के लिए टीन का शेड लगा दिया है। ये एक घर नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी दरवाजा तोड़ा गया है। तो यहाँ भी बच्चे भी अंदर थे, छोटे छोटे, मेरे तो फैमिली अंदर थी, वो अंदर ही बाहर दूसरे घर रहे थे, यहाँ अंदर ही थे ना, सब अंदर घर में दबे हुए थे। वो तो हम 5 मिनट नहीं आते तो हमारी लाशें निकलती घर से। अच्छा, ये बताइए यहाँ तो दूर कहीं रामनवमी की यात्रा कितनी दूर थी? यहाँ से बहुत दूर है, बाकी ऐसे पीछे से आ गए, एकदम से हमला हो गया यहाँ पे पथरावन से। अच्छा, एकदम हमला हो गया, हमला हो गया। तो यहाँ लगातार हमला हुआ, ये मीटर टूट गया है, दरवाजा टूट गया है, सामने वो घर है उसके शीशे टूट गए हैं। तो देखिए कि ये जो गली है वो दूसरे समुदाय के मोहल्ले से जुड़ती है, वहाँ बड़े स्तर पर पथराव हुआ, पत्थरों की बारिश हुई और यहाँ आते आते यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। और यहाँ देखिए आप, सफाई हो गई, इन पत्थरों को इकट्ठा कर दिया गया है। और अगर आप आगे देखेंगे तो आगे सब ठीक है, गली के सामने एक मंदिर दिखाई देगा, आगे सब ठीक है। यानी जहां मोहल्ले में घुसने की कोशिश हुई वहां सबसे ज्यादा टकराव हुआ और अब सारे मोहल्ले वाले यहां खड़े हैं, डरे हुए हैं। कुछ मकानों पर लिख दिया गया है कि यह मकान बिकाऊ है। दंगे का जो नया टेप आया है उसमें हर छत पर पहले से ही दंगाई मौजूद दिख रहे हैं। हर छत पर पत्थरों का जखीरा मौजूद है। कई दंगाइयों के हाथ में पत्थर के अलावा पेट्रोल बम भी हैं। दंगे में पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम भी चले हैं। पुलिस को जो क्रोनोलॉजी मिली है वो इस बात की तरफ क्लियर कट इशारा कर रही है, साजिश एक दिन की नहीं कई महीने पहले से की जा रही थी। मेरे पास खरगोन से फोटोज आए हैं, मस्जिदों के आसपास 4 से 6 घरों में गुलेर बांधी गई है, लोहे की गुलेर बांधी गई है, पत्थर फेंकने के लिए तैयार है वो लोग। दंगे का एपी सेंटर खसखस बाड़ी बताया गया है। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रामनवमी के जुलूस के वक्त जब बवाल मचा तो गलियों और छतों पर अचानक से दंगाई इकट्ठे हो गए,
और पूरी प्लानिंग के साथ हिंदू बाहुल्य जमींदार मोहल्ले पर पत्थर फेंकने लगे। जुलूस और घरों पर, जमीन और छतों दोनों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। ऐसा ही दंगाइयों का एक पत्थर 16 साल के शिवम शुक्ला के सिर पर आकर लगा। शिवम रामनवमी की शोभा यात्रा देखने अपने रिश्तेदारों के साथ निकला था, लेकिन नफरत के एक पत्थर ने उसके सिर को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पत्थर इतना जोर से लगा कि शिवम के सिर की हड्डियां टूट गईं, जिसने शिवम के ब्रेन के सेंसिटिव हिस्से को डैमेज कर दिया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि सिर की हड्डियां ब्रेन के अंदर तक घुस गईं, जिसके चलते वो वहीं पर गिर गया। शिवम 3 दिन से इंदौर के अस्पताल में है, वेंटिलेटर पर रखा गया है। कुछ भी हो सकता है, शिवम के हालात बहुत नाजुक हैं। खरगोन हिंसा में शिवम घायल हुआ, आज अपनी जिंदगी और मौत के लिए इंदौर के अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। शिवम की उम्र सिर्फ 16 साल है और शिवम की बहन की शादी का ये वो कार्ड है। 17 अप्रैल को ये शादी होनी थी, जिसके लिए कार्ड बट चुके थे, लेकिन अब शिवम गंभीर है और परिवार का ध्यान शिवम को बचाने पर है और वो शादी अभी पोस्टपोन कर दी गई है। शिवम के मामा हमारे साथ हैं। शिवम अपने मामा के पास खरगोन में रह के पढ़ाई करता था। रामनवमी वाले दिन क्या हुआ था, शिवम कहाँ था, कहाँ गया था? यहाँ पर अपने आप चौक में भगवान की आरती हो रही थी और वहाँ पर ही सब बच्चे खड़े थे और वहाँ पर ही वो बच्चा भी सब बच्चों के साथ में खड़ा था पूजन के लिए। सब पड़े थे, आरती हो रही थी, वहीं खड़े थे और वो भी बेचारा सब बच्चों के बराबर उसके मित्रों के साथ में पूजन के हिसाब से और डोले में जाने के हिसाब से, वो शोभा यात्रा में जाने के हिसाब से सब खड़े थे। और उधर से हमला हुआ, लाठी बंदूक तुम्हारे गोलीबारी हुई, उधर से पत्थरबाजी हुई, उसमें बेचारा वो घायल हो गया। आपको कब पता चला? जब उसको लेके उसके दोस्त आए और उन्होंने हमारे बेटे को कहा कि भैया देखो इसको इंजर्ड हो गया है, तो हमारे दोनों बेटे लेके उसको वहां गए। अभी शिवम की कैसी तबीयत है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पिछले 4 दिनों से उसकी तबीयत बेहोश टाइप था, अभी उसको वेंटिलेटर में था, वेंटिलेटर से कल उसको वेंटिलेटर हटाया है और आज उसकी तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल बता रहे हैं, बाकी अभी उसकी कोई पूरी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाई। खरगोन से आई दंगाइयों की तस्वीर बता रही है कि शिवम के इस हाल का जिम्मेदार कौन है। एक नहीं, खरगोन के दंगे की हजार खौफनाक कहानियां हैं। हर कहानी में नफरत का जहर घुला है। दंगाइयों ने क्या क्या किया है, उसकी तस्वीरें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, जिसको देखकर आप भी सहम जाएंगे कि दंगाइयों ने किस कदर खरगोन में उत्पात मचाया। इस वीडियो को देखिए और उस खौफ के मंजर को महसूस कीजिए, कैसे अंदर हिंदू परिवार है, बाहर दंगाइयों पर खून सवार है। दंगाइयों को मालूम था कि ये एक हिंदू का घर है। पूरी भीड़ दरवाजे पर इकट्ठी हो गई है और हमला करना शुरू कर दिया है। लोहे के दरवाजे को दंगाइयों ने हर तरह से तोड़ने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं टूटा तो एक दंगाई बड़ा सा पत्थर लेकर आया, दरवाजे पर पत्थर मारा, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। अंदर परिवार मौजूद है, दंगाई गालियां दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये लोहे का दरवाजा टूट जाता तो क्या होता। बलेरो जला दी गई है, वीरेंद्र भवसार की बलेरो है, उसका मोबाइल नंबर यहां लिखा है, उसकी ये बलेरो थी, इसको जला दिया गया। यहां किनकी, आपकी है ये? सर क्या हुआ था उस दिन, ये बलेरो आपकी यहाँ कैसे थी? यहाँ खड़ी थी ये तो। हाँ जी, यहाँ खड़ी थी और हम तो घर में मतलब बैठे हुए थे और एकदम से दौड़ के आए और अब पथराव चालू कर दिया, तो हम घर के अंदर हो गए। उसके बाद में जो इनकी धांधल हुई, जो पथराव करना चालू करो, गाड़ी को यहाँ आग लगी पहले और यहाँ से धक्का के वहाँ ले गए और वहाँ फिर उन्होंने पेट्रोल डाल के, बम डाल के, जो भी है उन्होंने आग लगाई। ये ग्रिल आपने लगाई थी? नहीं, ग्रिल को रोकना, सब वही सब सब उन्होंने उनके समुदाय द्वारा। अच्छा, वो सब दंगाइयों द्वारा, इसलिए वो समुदाय द्वारा, इधर वाले मतलब उधर नहीं जाए। अच्छा, इधर वाले तो ये दीवार बन गई है, यहाँ दूसरा समुदाय है, यहाँ दूसरा समुदाय है। फिर भी इधर भी बहुत पत्थर मारे, ऊपर चढ़ के मारे,
तो यहाँ इमामबाड़ा है ये, इसके सामने एक गाड़ी और है, इसे भी जला दिया गया है। इस गाड़ी की लपट इस पूरे मकान तक गई, पूरे मकान के शीशे टूट गए हैं। आप अगर इस मकान के ऊपर देखेंगे तो आपको दीवारों पर पत्थरों के निशान नजर आएंगे जो तीसरी मंजिल तक जा रहे हैं। ये जो मकान था, मजबूत दरवाजा था, अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार पथराव होता रहा। और ये आप जो शीशा देख रहे हैं, ये काफ़ी मोटी क्वालिटी का लेमिनेटेड शीशा है, जो ऊपर यहाँ ग्रिल पे लगाया गया था वो टूट गया है। यहाँ लगातार पथराव हुआ। ये मैम का घर है, ये यहाँ भी शीशा टूटा हुआ है, ऊपर का शीशा टूट के नीचे गिर गया है। मैम आपका क्या नाम है, ये कितने बजे की घटना है? ये शाम 7:30 बजे की घटना है। मेरा नाम मोना भावसार है और हम जब यहाँ पे ये हो रहा था तब हम हमारे समाज के कार्यक्रम में गए हुए थे। कहाँ? पीछे भावसार धर्मशाला में, जो रामनवमी का भंडारा था वहाँ पे गए हुए थे। अच्छा, भंडारे की सेवा में लगे हुए? हाँ, वहाँ पे गए। वहाँ से कोई नहीं था? नहीं, इस घर में कोई भी नहीं था और सामने सिर्फ दो बच्चे थे और मेरे ससुर जी थे और एक गुड़िया थी। अच्छा। और यहाँ पे पता चला कि पथरा हुआ है, तो यहाँ से फोन आया गुड़िया का कि मम्मी पथरा हुआ है, रोने लगी अकेली वहाँ पे दुकान। गुड़िया 18 साल की। अच्छा। रोने लगी वहाँ, पीछे हमारे दुकान में आग लगी है, ये घर भी हमारा है। और ऐसे ही हमने कुछ खाया भी नहीं और उठे फटाफट से, यहाँ आ भी नहीं सकते थे क्योंकि पथराव हो रहे थे यहाँ पे। जो तस्वीरें आ रही हैं उससे तो ये साफ हो रहा है कि ये ना संयोग है ना कोई प्रयोग है। दंगे का पूरा प्लॉट पहले तैयार किया गया था, दंगाइयों ने वही किया जो स्क्रिप्ट में लिखा था, जो उन्हें ऑर्डर मिला था। पूरी क्रोनोलॉजी क्लियर है, जिसमें पत्थरबाजी है, पेट्रोल बम है, तलवारें हैं, भड़काऊ नारे हैं और पुलिस कप्तान को गोली मारना भी है। खरगोन के जमींदार मोहल्ले में रहने वाले शिवम के रिश्तेदार ने जो बताया उसे सुनिए, फिर पता चलेगा कि दंगे की तैयारी कितनी पुरानी थी। मेरे पास खरगोन से फोटोज आए हैं, मस्जिदों के आसपास 4 से 6 घरों में गुलेर बांधी गई है, लोहे की गुलेर बांधी गई है, पत्थर फेंकने के लिए तैयार है वो लोग। मतलब आज की तारीख में अभी देखे तो उसको ढक दिया गया है, जबकि कल के फोटो हमने हमारे पास आए हैं उसमें गुलेर बंधी हुई दिख रही है पूरी। और रात बात है जी, जमींदार मोहल्ला खसखसवाड़ी, ये जो जो मस्जिद है वो खसखसवाड़ी है और हम जो रहते हैं वो जमींदार मोहल्ला है। क्या आप लोग डरा हुआ महसूस कर? बिल्कुल बिल्कुल, सब डरे हुए, सब लेडीज वगैरह डरी हुई है। हम 4-6 घर के मेंबर सब एक साथ रह रहे हैं वहाँ पे। हमको लेडीजों को शिफ्ट करना पड़ा, बच्चों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा। नफरत फैलाने की जिम्मेदारी इलाके के बदमाशों और हिस्ट्री शीटर्स को दी गई थी। पुलिस को जो नया वीडियो मिला है जिसमें खरगोन का नामी हिस्ट्री शीटर सेजू और फिरोज नजर आ रहा है, फिरोज ने भी इलाके के घरों पर दंगाइयों को इकट्ठा किया और हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंकवाए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सेजू दंगाइयों को भड़का रहा है। पुलिस को हिस्ट्री शीटर सेजू और फिरोज की तलाश है, लेकिन दंगे के बाद से हिस्ट्री शीटर फिरोज फरार हो गया है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो इस मोहल्ले में इकलौता ये ऐसा घर है, ऐसा नहीं है, सामने ये 3 मंजिल का घर है, इस पर भी पथराव हुआ था, लेकिन अब इस पर भी ताला लटका है। एक और ये 2 मंजिल का घर था, पुराना घर था, ये भी पूरे तरीके से जल गया है। और इस एक कमरे में जो कुछ सामान बचा है उसको ताला लगाकर लोग यहां से जा चुके हैं। ऊपर गणपति की मूर्ति दरवाजे पर साफ देखी जा सकती है, लेकिन ये घर जल चुका है। यहां खाली जगह में एक कूलर पड़ा है, सोचिए इस कूलर ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा, इसको भी तोड़ दिया गया है। और ये देखिए, ये बड़ा घर है, किसी समृद्ध परिवार का घर है, लेकिन अब वो परिवार यहाँ से चला गया है। कपड़े लटके हुए आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर सामान बिखरा हुआ आप देख सकते हैं और शीशे टूटे हुए हैं। इस गली में सन्नाटा है, यहाँ एक दुकान थी, यहाँ भी पेट्रोल बम मारकर जलाने की कोशिश की गई है। पेट्रोल बम बनाने के लिए उनके पास शीशे की बोतल नहीं थी तो प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल डालकर फेंका गया और नतीजा ये कि आग तो लगी लेकिन ये बोतल नहीं फटी, इसलिए ज़्यादा फैली नहीं। और ये यहाँ जो हिंसा हुई उसके बाद की तस्वीरें हैं। अब इस पूरी गली में आपको आदमी नहीं दिखाई देगा, सन्नाटा है, सब छोड़ के चले गए हैं।
ये मीटर जलाने की कोशिश की, टूट गया है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जारी है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई है। यहां अगर आप देखेंगे तो बड़ी ग्रिल लगाई गई है। मोहन कुंज ये मकान है, जैन परिवार का मकान है क्योंकि जैन मुनि की तस्वीर लगी हुई है, और यहां भी पेट्रोल बम मारने की कोशिश की गई है। ये पेट्रोल बम का जो हिस्सा है, या कहें कि सुतली जो लगाई गई थी आग लगाने के लिए, वो है। इसमें आप शीशे का टुकड़ा देख सकते हैं, जो बोतल टूटी और वो पेट्रोल बम की जो बोतल फटी उसके अवशेष यहाँ नीचे पड़े हैं। यानी पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, न सिर्फ इस्तेमाल किया गया, जलाने की कोशिश की। ये गैलरी पूरे तरीके से पत्थरों से भरी हुई है, और ये पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ किस तरह का मंजर था। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वो इकलौता पेट्रोल बम नहीं है, ये देखिए ये बोतल टूटी हुई है, इसका भी इस्तेमाल पेट्रोल बम के तौर पर किया गया था इस घर पर हमला करने के लिए, लेकिन ये बोतल फटी नहीं, गनीमत रही, और इसीलिए आग नहीं लगी, सिर्फ ये बोतल बाकी बची हुई है। 10 अप्रैल को जो खरगोन ने देखा है उसके जख्म भरना आसान नहीं है। खरगोन में आज भी हालात नाजुक बने हुए हैं। उधर इंदौर के अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे शिवम शुक्ला के परिवार पर मुसीबत का पहाड़ गिर गया है। नफरत के पत्थर ने शिवम के घर की खुशियां भी छीन ली हैं। 17 अप्रैल को शिवम की बहन की शादी थी, पूरा घर शादी की तैयारियों में लगा था, शादी के कार्ड तक बन चुके थे। जैसे ही शिवम के जख्मी होने की खबर आई, शादी भी टाल दी गई। 16 साल का शिवम 10वीं के बाद खरगोन में अपने मामा के घर रहकर ITI से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रहा था। उसका परिवार खरगोन के पास निसरपुर में रहता है। परिवार ने शिवम को लेकर बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी। हम लोग नॉर्मली खड़े थे, रामनवमी का त्यौहार था, उस दौरान हम लोग नॉर्मल जैसा होता है डेली रूटीन बाहर ही थे। अचानक से भगदड़ मची, पथराव हुआ, और वही फिर जो लोग पथराव कर रहे थे क्या उन्हें आप जानते थे? नहीं, अब इतनी भगदड़ में हम किसी को ऐसे जानते नहीं हैं, कौन था क्या था हमें समझ नहीं आया। चोट काफ़ी गंभीर थी उस समय। कहाँ पर चोट आई शिवम को? सर में चोट आई थी। अभी तो उसने 10th का किया था, अभी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था। खरगोन पुलिस वायरल वीडियो से दंगाइयों की पहचान कर रही है, एक एक का पता निकाल रही है। जिस तरह से पुलिस एक्शन में है, ये भी तय है कि कोई दंगाई बचेगा नहीं, क्योंकि मामा का बुलडोजर भी दंगाइयों पर चलने लगा है। रामनवमी के दिन का एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडियो मुल्तान बाड़ी मोहल्ले का है। इस वीडियो में भी साफ साफ देख सकते हैं कि दंगाइयों का मंसूबा कितना खतरनाक था। नकाबपोश दंगाई नजर आ रहे हैं, हाथ में तलवारें दिखाई दे रही हैं। इन दंगाइयों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की थी। मां अन्नपूर्णा भवन है, ये इलाका भी पूरी तरीके से जल गया है। इसके घर के अंदर आग लगी थी, काला धुआं आप देख सकते हैं, ऊपर तारे जल गई हैं, और यहाँ ट्रैफिक पुलिस खरगोन का ये बैरिकेड टेढ़ा पड़ा है, तो समझ सकते हैं कि उस वक्त कानून व्यवस्था यहाँ क्या रही होगी। यहाँ सामने एक दुकान है, वो जली हुई है। सर किसकी दुकान थी ये? राजूपाल की थी। राजूपाल की? हाँ। किस चीज की दुकान थी ये? टेलरिंग मटेरियल्स की। टेलरिंग मटेरियल की दुकान थी, तो ये टेलरिंग मटेरियल की दुकान थी, वो जल गई है। ये दुकान भी पूरी तरीके से जल गई है, और उसके बाद ये शटर गिर गया है। तो इसके नीचे क्या? आपकी थी? हाँ। क्या नाम है? हमारा कैलाश पंडित के नाम से थे। कैलाश पंडित? काकाश्री के नाम से। काकाश्री के नाम से। हुआ क्या था? कुछ नहीं, आया 5:30 बजे पत्थरबाजी हुई और मारो काटो की आवाज। मेरी स्कूटी खड़ी थी, उसको आग लगा दी और ये सब आग लगा दी गाड़ी। अच्छा, एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ कि टकराव अगर रामनवमी की यात्रा के दौरान हुआ, यात्रा तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर निकल रही थी, फिर यहाँ हमला क्यों? तो सब तूफानी मच गया पूरा, इस गली में उस गली में जितनी गलियां बाहर आ रही थी इनके सब जगह तूफान मच गया था। तो इसमें क्या बुझाने की कोशिश हुई या आग अपने आप बुझ हुई? अरे नहीं, 8-10 टैंकर पानी डला है कम से कम। अच्छा। 3 दिन तक सतत डला जब आग बुझी है।
तीन दिन तक लगातार यहाँ आग लगी रही, वो बुझी है, ऊपर सीमेंट भी टूटकर गिर गई, आग का तापमान इतना ज्यादा था, यहाँ टेलरिंग का सामान था, ये आग अब बुझ गई है, लेकिन ये जली हुई दुकान इस बात की गवाही है कि रामनवमी के दिन यहाँ हिंसा किस स्तर की हुई, यहाँ हिंसा के निशाने पे कौन था, और अब इनको अपनी जिंदगी वापस सटीक बनाने में दिक्कत कितनी होगी। अब ये देखिए, अब यहाँ एक मंदिर बनाया गया था, इस मंदिर को तोड़ दिया गया, इस मंदिर से किसको क्या आपत्ति हो सकती थी। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ एक स्थापित शिवलिंग है, शायद एक पत्थर है जिसको पूजा जाता था, यहाँ एक पत्थर है उस पर आंखें लगाई गई हैं, गणपति है या हनुमान जी बनाने की कोशिश है, हनुमान जी का मंदिर है ये, हनुमान जी का मंदिर है, और ये पूरी तरीके से हनुमान जी का भेरवान बाबा। तो ये तोड़ दिया गया है। आज रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने आज रणबीर के वास्तु अपार्टमेंट में साथ फेरे लिए। रणबीर और आलिया ने शादी बेहद ही साधारण तरीके से की। शादी में दोनों की ही फैमिलीज और क्लोज फ्रेंड्स के अलावा किसी को शामिल नहीं किया गया। एक खबर यह भी है कि रणबीर आलिया ने अपनी शादी में मेहमानों से नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म भरवाया था, जिसके चलते उनकी कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर नहीं आई। शादी के बाद अब से थोड़ी ही देर पहले आलिया रणबीर मीडिया के सामने आए और अपनी शादी की पहली तस्वीर जगजाहिर की। अब कपल की वेडिंग फोटोज भी सामने आ गई हैं। शादी की रस्में पूरी होते ही नीतू कपूर ने अपनी प्यारी बहू आलिया की नजर उतारी। नीतू कपूर काफी वक्त से चाहती थी कि रणबीर और आलिया शादी कर लें। वो आलिया को बहुत प्यार करती हैं। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान आलिया को लेकर नीतू ने कहा था, मैं चाहती हूँ कि जैसा बॉन्ड मेरा और मेरी सास के बीच था, वैसा ही रिश्ता मेरे और आलिया के बीच भी हो। अभी आलिया और रणबीर की रिसेप्शन को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों रिसेप्शन पार्टी देंगे, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के उनके तमाम दोस्त शामिल होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।